ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौथे फेज में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें धनबाद जिले की 6 सीटों पर भी वोटिंग होनी है। धनबाद, बागमारा, निरसा, झरिया, टुंडी, सिंदरी में 16 दिसंबर को वोटिंग है। यहां पर चुनाव प्रचार का शोर कल थम जाएगा। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। बड़े बड़े नेता इलाके में सभाएं करते दिख रहे हैं। धनबाद जिले की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है चौथा चरण, 4 जिले की 15 सीटें। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रभात के पास, इस वक्त धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, अब कोयलांचल की बारी है। कोयलांचल में जिस तरह से अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 15 सीटों की, जिन 15 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उन 15 में से 12 पर बीजेपी का कब्जा है फिलहाल अगर हम देखें तो। इस बार चुनावी सरगर्मी और चुनावी जो माहौल है, जो हवा का रुख है, वो क्या बयां कर रहा है फिलहाल? देखिए आरती, आपने सही कहा कि जिस तरीके से ये जो 15 सीटें आपने कही उसमें से 12 में भाजपा का सिटिंग विधायक था, लेकिन अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद, झरिया और बागमारा इन और सिंदरी, ये 4 जो सीटें थी वो भाजपा के पास थी। लेकिन इस बार जो जो है सिंदरी से भाजपा का जो सिटिंग विधायक थे कुलचंद मंडल का टिकट काटकर उनके जगह में इंद्रजीत महतो को टिकट दिया गया है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ के सांसद भी पीएन सिंह धनबाद के सांसद है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो 3 सीटें हैं जैसे धनबाद, झरिया और बागमारा, इसमें सीधी टक्कर देखी जा रही है। जो जो विरोधी हैं उनके साथ सीधी टक्कर देखी जा रही है। जो और बाद बाकी जो सीटें हैं, चाहे टुंडी हो, चाहे निरसा हो या फिर ये हो, तो निरसा में माथस का वर्चस्व रहा है। इस बार तीसरी बार वहां की जनता के मत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं रूप चटर्जी, और 1 सीट आसू के पास में। तो ये कह सकते हैं कि धनबाद का जो जो चुनाव है बिल्कुल इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है प्रभात। और मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार महागठबंधन सामने खड़ा है एकजुटता के साथ। हम लौटेंगे आपके पास, और भी चर्चा होगी हमारी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा। ब्रेक के बाद वापस आपका स्वागत है। और चौथे चरण का अब चुनाव होना है, 15 सीटें हैं और वोटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनावी समीकरण भी इस बार थोड़ा अलग है। और फिलहाल धनबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रभात, उनसे बातचीत हो रही थी। प्रभात, ब्रेक पर जाने से पहले यही बात हो रही थी कि चुनावी राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करें तो इस बार बदलाव इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार पहली बात तो ये कि आजसू बीजेपी के साथ नहीं है, दूसरी चीज ये कि इस बार जो बाकी विपक्षी दल थे, अगर पिछले 2014 का चुनाव देखे तो तमाम विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार महागठबंधन के तौर पर एकजुट है, तो शायद इस बार चुनौतियां होंगी। जिन 12 सीटों की बात हो रही है, 12 पर कब्जा है, 15 सीटें हैं, तो थोड़ी चुनौतियां बड़ी होंगी बीजेपी के लिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा आरती। देखिए पिछली बार की जो चुनाव था उस समय आपने सही कहा कि महागठबंधन बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार महागठबंधन एकजुट है। निश्चित है कि जो जो 4 सीटें हैं यहाँ धनबाद में जो भाजपा के पास में, उसे बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। जिस तरीके से महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है टक्कर देने को लेकर, और हम अगर ये बात करें तो पूरे विधानसभा में जो पूरे जो जो विधानसभा है, चाहे वो धनबाद हो, चाहे निरसा हो, चाहे फिर ये झरिया हो, काफी टक्कर देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा यहां से हर समय जीतती आई है, जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन जहां महागठबंधन भी अपनी पूरी मजबूती के साथ सामने आ रहा है। अगर हम प्रचार की बात करें तो कल अंतिम दिन 5 बजे तक प्रचार होना है, उसको लेकर जितने भी बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर कांग्रेस की सचिन पायलट की बात करें या फिर सुदेश महतो हो या बाबूलाल मरांडी है, उन लोगों की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं, रोड शो है, सभाएं हैं, सब अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। झरिया में जैसे अभी सचिन पायलट का एक सभा है, धनबाद के भोइली में सचिन पायलट का एक रोड शो है,
अगर हम गोविंदपुर में बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री वहां रोड शो करेंगे, सभा करेंगे। वहीं सुदेश महतो भी सिंदरी और जो सिंदरी का क्षेत्र है वहां जाकर सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जितने भी दिग्गज नेता है वो अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं अब, क्योंकि अंतिम एक दिन बचा है कल शाम 5 बजे तक प्रचार करना, उसके बाद जो भी प्रत्याशी है वो डोर टू डोर में जाएंगे। जी यार, बिल्कुल, स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार जारी है और देखना होगा कि जो सीटें, अगर हम धनबाद जिले की सिर्फ बात कर ले तो जो सीटें बीजेपी के पक्ष में है, क्या इन स्टार प्रचारकों के दौरे से वो सीटें सीटों पर कब्जा बरकरार रहता है, और इजाफे की जरूर कोशिश होगी कि बाकी सीटों पर इजाफा करे बीजेपी। लेकिन एक चीज जो है, कल जिस तरह से पीएम मोदी पहुंचे यहां पर, उन्होंने भी सभा की और काफी कुछ कहा उन्होंने, फिर अमित शाह की सभा, लगातार जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं प्रभात, अब जो ये चौथा फेज है, हालांकि तीसरा चरण काफी अहम था, फीडबैक भी मिला होगा सभी दलों को अपना अपना, अब ये चौथा चरण, इसे लेकर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, रणनीति बदली गई है, तो क्या लगता है स्टार प्रचारकों का दौरा काफी कुछ कह जाएगा, काफी कुछ नई कहानियां बयां करेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री ने धनबाद में सभा किया था और अपने जो जो विधानसभा के 12 प्रत्याशी थे उनके साथ में थे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री में जब यहाँ जब उन्होंने भाषण दिया तो उसमें 370 हो चाहे देशभक्ति की बात हो, उन्होंने बात रखी, और ये बातें भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रोड शो करके सभा करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के जो प्रत्याशी है, उसमें दम भर के गए हैं, ये बातें सामने आ रही है। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो मतदान होगा या फिर काउंटिंग होगा उसमें किस तरीके की बातें सामने आती, कौन किस क्षेत्र के लोग जो मतदाता है किसे अपना विधायक चुनते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि कल 14 तारीख को अमित शाह का भी एक सभा होना है जो धनबाद में होना है, तो निश्चित है जो भी स्टार प्रचारक है वो अपनी दमखम लगा दिए। देखना होगा प्रभात की जो स्टार प्रचारक जिस तरह से भीड़ जुटा पा रहे हैं, क्या वो भीड़ उस पार्टी के लिए, उस प्रत्याशी के लिए वोट में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं। फहराल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रभात। तो चौथे चरण का अब रण शुरू हो चुका है, प्रचार अभियान चल रहा है, लगातार हमारी कवरेज जारी है सभी सीटों से और सभी इलाकों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।